अभियानपुर कोतवाली के नवागत कोतवाल का किया गया स्वागत। स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज 24x7 में। आइए खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। जियनपुर कोतवाली में नवागत कोतवाल दिनेश कुमार यादव का आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष संदीप सिंह द्वारा अपने समर्थकों संग फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। वही संदीप सिंह ने बताया कि हमने आज जियनपुर कोतवाली के नवागत प्रभारी दिनेश कुमार सिंह से मुलाकात कर उनका स्वागत किया और उनसे अपने क्षेत्र की समस्याओं को त्वरित निस्तारण करने की अपेक्षा भी मैंने जताई है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम है, इसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं से जो भी सहयोग चाहे हम लोग उसके लिए सदैव तत्पर रहेंगे ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी न उठानी पड़े। इस दौरान जियनपुर कोतवाल ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि किसी को कोई समस्या कभी नहीं होगी, हर संभव उनकी सुनवाई की जाएगी और साथ ही न्याय दिलाया जाएगा। स्वागत के दौरान मुख्य रूप से आदित्य सिंह मंडल उपाध्यक्ष, प्रिंस मिश्रा मंडल महामंत्री, राधेश्याम कोषाध्यक्ष, विशाल सिंह मंडल कार्यालय प्रभारी, अभिषेक सिंह, शिवम नायक, ऋषु सिंह आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ से आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं यहीं पास के बिरमा का रहने वाला हूं और मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष चुना गया है। आज आप लोग अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं जी नौगात कोतवाल जियनपुर, दिनेश कुमार यादव को फूल मालाओं से स्वागत किया है, मकसद क्या था? मकसद यही था कि आज हमारे कोतवाल साहब को यहाँ का कोतवाली का दायित्व दिया गया है और उनसे हम लोगों ने स्वागत किया और उनसे यही आग्रह किया गया कि सर हम लोगों की जहाँ हो सके हम लोगों की मदद करें और अगर साहब हमारी मदद करेंगे तो हम लोग भी हर अपने पूरे टीम के साथ उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो यही है कि वो जो उन्होंने वादा किया उस पर उतरेंगे खड़ा और अगर वो उतरेंगे तो हम लोग भी अपने पूरी टीम के साथ उनके साथ खड़ा उतरेंगे।